मध्य प्रदेश में 10वीं बोर्ड की परीक्षा शुरू हो चुकी है। ये परीक्षा 28 फरवरी तक संचालित होंगी। वहीं छतरपुर के शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परीक्षा केंद्र के केंद्र अध्यक्ष आरपी शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि हाई स्कूल की परीक्षाएं आज से शुरू हो रही हैं और इस केंद्र पर 862 छात्र छात्राएं परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। वहीं कलेक्टर प्रतिनिधि की मौजूदगी में प्रश्न पत्र संबंधित थाने से सुरक्षा व्यवस्था के साथ परीक्षा केंद्र पर लाए गए। परीक्षार्थियों के लिए कुल 27 कमरों में बैठक व्यवस्था की गई। वहीं सुरक्षा व्यवस्था के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया। छतरपुर से संवाददाता मुकेश भार्गव की रिपोर्ट। एमएलबी में चूंकि स्वाध्यायी छात्र यहां बैठ रहे हैं, स्वाध्यायी छात्रों के होने के कारण ये अति संवेदनशील घोषित किया गया है। आज हाई स्कूल की हिंदी विषय की परीक्षा है, जिसमें कुल 862 छात्र छात्राएं परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं और कुल हमारी 27 कमरों में व्यवस्था है, जिसमें 5 बड़े बड़े हाल भी हैं। तो कुल इस तरह से 862 बच्चों की बैठने की व्यवस्था की गई। सुरक्षा व्यवस्था के लिए हमें पुलिस बल भी तय किया गया है, साथ साथ जो पेपर की थाने से यहां तक लाने के लिए कलेक्टर महोदय की ओर से प्रतिनिधि भी नियुक्त हैं, जो कि उनकी जीपीएस ट्रैकिंग भी होती चल रही है। वे अभी भी बैठे हैं और 10 बजे तक वे केंद्र पर ही रहेंगे। 10 बजे के बाद फिर वो केंद्र से लॉग आउट हो जाएंगे। प्रवेश के लिए 8:40 तक हम छात्रों को प्रवेश दे सकते हैं, क्योंकि आज पहला दिन है थोड़ा सा, तो हम उसमें 5 मिनट का थोड़ी छूट भी दे रहे हैं कि 8:45 तक बच्चे प्रवेश कर जाएं परीक्षा भवन में।